नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आदर्श आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पुरानी चीज़ों का नाम चेंज किया गया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है। उसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बोगी बिल। बात करें अगर बोगी बोगी बिल पुल का, उसका नाम अटल सेतु रखा गया है। क्या रखा गया है? अटल सेतु। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और उसका नाम जो है रखा गया है अटल नगर। बदल के क्या रखा गया है? अटल नगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साबरमती घाट की अगर बात करें, साबरमती घाट की, तो उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? अटल घाट। यानी कि अब साबरमती घाट को अटल घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोहतांग सुरंग की अगर बात करें, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसको भी हम लोग अटल सुरंग के नाम से जानते हैं। यानी कि जल्दी में इसको बदला गया है। पहले रोहतांग सुरंग के नाम से लोग जानते थे, लेकिन अब जो है अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छठवां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसको हम लोग अटल पथ के नाम से जानेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, उसका नाम अटल पथ कर दिया गया है। बात करें अगर हजरतगंज चौक की, हजरतगंज चौराहा की, तो उसका नाम अटल चौक कर दिया गया है। यानी कि हजरतगंज चौराहा जो लखनऊ में स्थित है, उसका नाम अब से अटल चौक हो गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट की अगर बात करें, तो उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो है, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। बात करें अगर कंडाला बंदरगाह की, तो उसका नाम भी अभी हाल ही में चेंज किया गया है, जिसका नाम नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। यानी कि कंडाला बंदरगाह को हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानेंगे। बात करें अगर मुगल सराय रेलवे स्टेशन की, तो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आप सबको पता होगा क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी समय पहले किया गया था। और नेक्स्ट है आपका गोरखपुर हवाई अड्डा, यानी कि गोरखपुर हवाई अड्डा जो है, उसका नाम महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। जो गोरखपुर हवाई अड्डा है, उसका नाम महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चनों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक करें, शेयर करें और खूब देखें। चलिए, धन्यवाद।